गुना में छात्र संगठन AIDSO ने स्थानीय चौराहों पर भारी बारिश के बीच विशाल छात्र प्रदर्शन किया और रैली निकालकर जिलाधीश महोदय को सत्र 2021-22 में अध्ययनरत समस्त पात्र छात्रों को छात्र आवास और छात्रवृत्ति की संपूर्ण राशि का अविलंब भुगतान करने, विद्यालयों में की गई प्रवेश फीस वृद्धि वापस लेने, छात्रावास सहायता राशि की पात्रता के लिए 50% अंक की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए सभी छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करने की मांग पर ज्ञापन दिया। वहीं छात्र संगठन के अध्यक्ष शोभना श्रीवास्तव ने बताया है कि सरकार ने बेहतर पठन पाठन के लिए गरीब तबके के छात्रों के हित में तमाम सुविधाएं चलाई जाती हैं। वहीं छात्रवृत्ति और आवास योजना की राशि भी छात्रों को इसी मकसद के साथ दी जाती है। लोगों ने जो छात्रवृत्ति की समस्या है, पूरा साल निकल गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ, आवास की राशि का भुगतान नहीं हुआ, छात्रों को प्रवेश नहीं मिल रहा, हॉस्टल बंद पड़े, इन समस्याओं को लेकर के आज हम लोगों ने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है, उनसे मुलाकात की, लेकिन अभी जो हमको आश्वासन मिला है वो कुछ खुश आश्वासन नहीं है, क्योंकि छात्रवृत्ति का जो भुगतान की वाली बात है वो सर बोल रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है।